आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं आपके साथ वर्षा शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। इंडोनेशिया में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्टेडियम में दो टीमों के प्रशंसकों के बीच झड़प हो गई और इस झड़प में 150 से अधिक लोगों की जान चली गई। खबरों के मुताबिक करीमाफ एफसी और परशेबाया सुरबाया के बीच मैच चल रहा था। इस बीच अरेमा की टीम 3-2 से हार गई, जिसके बाद अपनी टीम को हारता देख बड़ी संख्या में प्रशंसक मैदान की तरफ भागने लगे और उपद्रव मचाने लगे, जिससे स्टेडियम में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में अब तक 175 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच स्थिति को कंट्रोल किया गया और दोनों टीम के खिलाड़ियों को स्टेडियम से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब सभी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मैदान में भगदड़ मच गई। दरअसल पिछले 20 वर्षों में अरेमा फुटबॉल ने कभी भी परसेबाया के खिलाफ हार का सामना नहीं किया था और पिछले दिनों अरेमा फुटबॉल ये मैच हार गई और प्रशंसकों को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके चलते बीच स्टेडियम में आकर प्रशंसक उपद्रव मचाने लगे, जिसके बाद प्रशासन ने भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे स्थिति और खराब हो गई। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।